यहाँ बोली गई बातें, इलाज के तरीके और खुराक की जो सलाह दी जाती है वो विशेषज्ञों के अनुभव पर आधारित है। किसी भी सलाह को अमल में लाने से पहले अपने डॉक्टर से ज़रूर पूछ लें। सेहत प्रोग्राम आपको अपने आप दवाइयाँ लेने की सलाह नहीं देता है। नमस्कार आदाब, मेरा नाम है सरवत, आप देख रहे हैं सेहत ललन टॉप का हेल्थ शो, जहाँ बात होती है हमारी और आपकी हेल्थ की। पहला सेगमेंट हालचाल, आज बात करेंगे ब्रेस्ट कैंसर के बारे में, लक्षण से लेकर के इलाज सब कुछ। दूसरा सेगमेंट तन की बात, छींकते वक्त हमेशा हमारी आंखें बंद क्यों हो जाती हैं, कभी सोचा है? और तीसरा सेगमेंट है खुराक, यानी एक झकास सी हेल्थ टिप जैसे प्याज का कमाल। बात 2013 की है, मेरी पहली नौकरी थी। बॉस ऑफिस में मेरी एक सीनियर हुआ करती थी, 40 साल की थी वो लगभग और शादी हो गई थी उनकी, दो बच्चे भी थे, काफ़ी हसमुख थी, सभी उन्हें पसंद करते थे। मैं बार बार थी थे ये सब इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अब वो हमारे बीच में नहीं है। उन्हें ब्रेस्ट कैंसर था और काफ़ी साल तक उनका इलाज भी चला पर वो बच नहीं पाई। अब ब्रेस्ट कैंसर के बारे में पहली बार तफसील से मुझे उनसे ही पता चला था, ये पता चला था कि ये कितना खतरनाक है। हम बात करेंगे इस बीमारी के बारे में और इसके असर के बारे में, ये कितनी खतरनाक है ये बोलने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ज़रूरी है कि लोगों को ब्रेस्ट कैंसर के बारे में सही और सटीक जानकारी हो। ये क्या होता है, क्यों होता है, कैसे पता चले कि आपको ब्रेस्ट कैंसर है, क्योंकि अगर जल्दी पता चल जाए तो इलाज भी समय पर शुरू हो सकता है, एंड ऑफ कोर्स इसका ट्रीटमेंट क्या है ये सब जानते हैं। ब्रेस्ट कैंसर महिलाओं में होने वाला सबसे कॉमन कैंसर है। भारत में हर साल 1.5 लाख से ज़्यादा महिलाओं को ब्रेस्ट कैंसर होता है और इसका मतलब है कि हर 1 लाख महिलाओं में 26 महिलाओं को ब्रेस्ट कैंसर होता है। भारत में हर साल 70,000 से ज़्यादा महिलाओं का ब्रेस्ट कैंसर की वजह से मृत्यु हो जाता है। दोस्तों, ब्रेस्ट में होने वाले गांठ दो टाइप के होते हैं, एक होता है बेनाइन या नॉन कैंसरस गांठ जिसको दूध का गांठ भी बोलते हैं, और दूसरा होता है कैंसरस और मैलिग्नेंट गांठ जिसको कैंसर बोलते हैं। जब तक हम ब्रेस्ट के गांठ का जांच नहीं करवाते हैं तब तक हम बोल नहीं सकते कि ये गांठ कैंसर है या सादा गांठ है, इसलिए हर एक गांठ का जांच करना बहुत ज़रूरी है। अभी ऐसे कौन कौन से कंडीशंस हैं जिसमें ब्रेस्ट कैंसर होने का रिस्क बढ़ जाता है? जो महिलाओं में ओबेसिटी या मोटापन है और जिन महिलाओं को मेनोपॉज के बाद हार्मोनल ट्रीटमेंट का ज़रूरत पड़ता है उनमें ब्रेस्ट कैंसर होने का चांस ज़्यादा है। जिन महिलाओं को जल्दी मेनार्की आ जाता है या जिन महिलाओं में मेनोपॉज का उम्र ज़्यादा होता है उन महिलाओं में भी ब्रेस्ट कैंसर होने का चांस ज़्यादा होता है। कोई भी ब्रेस्ट कैंसर है उसको जल्दी डिटेक्ट कैसे करना है? ब्रेस्ट कैंसर को जल्दी डिटेक्ट करने के लिए 3 टाइप के टेस्ट किए जाते हैं। नंबर 1 मैमोग्राफी, नंबर 2 ब्रेस्ट एग्जामिनेशन एंड नंबर 3 इज एफएनएसी टेस्ट। मैमोग्राफी मतलब ब्रेस्ट का एक्सरे लेना। ब्रेस्ट का एक्सरे लेके उसमें देखते हैं कि कोई गांठ है क्या। हर महिला को 40 की उम्र के बाद हर साल में एक बार ब्रेस्ट का मैमोग्राफी करना बहुत ज़रूरी है। दूसरा जो टेस्ट है उसको बोलते हैं ब्रेस्ट एग्जामिनेशन। ब्रेस्ट एग्जामिनेशन में हम 2 टाइप के ब्रेस्ट एग्जामिनेशन कर सकते हैं। एक जो है सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, उसमें पेशेंट खुद अपना ब्रेस्ट एग्जामिनेशन कर सकता है। उसमें पेशेंट को देखना पड़ता है कि ब्रेस्ट में कहीं पर गांठ है क्या, ब्रेस्ट के स्किन का कलर चेंज हो गया है क्या, बगल में या एक्जिला में गांठ है क्या, दोनों ब्रेस्ट का साइज एक जैसा है क्या, कोई निप्पल रिट्रैक्शन है क्या, कोई निप्पल डिस्चार्ज है क्या, ये चीज़ें पेशेंट को देखनी पड़ती है। अगर इसमें से कोई भी चीज़ है तो डॉक्टर को बताना पड़ता है। और दूसरी बात है कि आप डॉक्टर के पास जा सकते हैं और डॉक्टर क्लिनिकल एग्जामिनेशन करके आपको बता सकते हैं कि ब्रेस्ट में गांठ या ट्यूमर है कि नहीं। और तीसरा जो टेस्ट है जो ब्रेस्ट कैंसर के डायग्नोसिस में किया जाता है वो है FNAC, मतलब फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी। उसमें अगर ब्रेस्ट में कोई गांठ होता है तो उसमें छोटी सुई डाली जाती है और उसका सैंपल लैब में भेजा जाता है और उसमें पता चल जाता है कि ब्रेस्ट कैंसर है कि नहीं। ये ब्रेस्ट कैंसर में मेनली 3 टाइप के ट्रीटमेंट किए जाते हैं। नंबर 1 जो है वो सर्जरी, नंबर 2 कीमोथेरेपी एंड नंबर 3 रेडिएशन थेरेपी। सर्जरी में मोटा मोटी 2 टाइप के सर्जरीज होते हैं,
एक होता है ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी, जिसमें सिर्फ ट्यूमर निकाला जाता है और ब्रेस्ट को प्रिजर्व किया जाता है, और दूसरा होता है मैस्टेक्टॉमी, जिसमें पूरा ब्रेस्ट निकाला जाता है। दूसरा जो कैंसर में ट्रीटमेंट किया जाता है उसको बोलते हैं कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी में कुछ इंजेक्शंस या टैबलेट्स दिए जाते हैं जिससे पेशेंट का इलाज किया जाता है। और तीसरा जो होता है उसको बोलते हैं रेडिएशन थेरेपी। रेडिएशन थेरेपी में पेशेंट को कुछ हाई एनर्जी रेडियोएक्टिव रेज का उपयोग किया जाता है कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए। रेडिएशन थेरेपी देते वक्त पेशेंट को किसी भी प्रकार का पेन, जलन, शॉक, इस प्रकार का तकलीफ नहीं होता है। अच्छा, अब बात अगर ब्रेस्ट कैंसर की कर रहे हैं तो एक चीज को बिल्कुल नजरअंदाज नहीं कर सकते, और वो है डाइट, आपका खान पान। चलिए जानते हैं कि ऐसे में खाने को लेकर किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि बीमारी चाहे जो भी हो, इलाज अपनी जगह है और खान पान अपनी जगह, उसके साथ समझौता नहीं कर सकते। तो सुनिए, आप अपना डाइट जो है बहुत हेल्दी रखें, बहुत बैलेंस डाइट रहे, जिसके अंदर आपका कार्बोहाइड्रेट्स रहे, फैट्स रहे, हेल्दी फैट्स रहे, प्रोटीन रहे, वेज नॉनवेज प्रोटीन दोनों का इंटेक रहे, प्रोसेस्ड फूड्स और जितने भी अनहेल्दी फैट्स हैं उनको टोटली हम आपको रिस्ट्रिक्ट करना है। और अगर मैं किन चीज़ों को ज़्यादा इंक्लूड करूँ उनकी बात करें, तो जैसे डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, जैसे पालक हो गया, मेथी हो गया और केल हो गया, इनको आपको ज़्यादा से ज़्यादा इंक्लूड करना है अपनी डाइट में। एंटी ऑक्सीडेंट रिच डाइट हो उसके लिए आपको बेरीज हो गया, पीचेस हो गया, उसका इंक्लूड करें। ग्रीन टी रखें आप अपनी डाइट में। एंड हेल्दी फैट्स के लिए एवोकाडोज हो गए, नट्स हो गए, सनफ्लावर सीड्स, पम्पकिन सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, इनका इंटेक रखें, ताकि आपकी बॉडी को वो एनर्जी भी मिले और हेल्दी फैट्स आपके लिए अच्छा वर्क करें बॉडी के अंदर। अनहेल्दी फ्राइड चीज़ें हो गई, जो जैसे हम फ्राइड फूड्स खाते हैं, बहुत स्पाइसी फूड्स हैं, उनको अवॉइड करेंगे, रेड मीट्स को अवॉइड करेंगे। इन चीज़ों को अवॉइड करते हुए ग्रीन टी आप डेफिनेटली लेंगे, प्रोटीन अच्छा इंटेक करेंगे ताकि मसल लॉस ना हो बॉडी में, और साथ में हल्दी और सिनेमन इनका बहुत अच्छा यूज़ आप करेंगे, क्योंकि इनकी एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो ये डेफिनेटली आपको हेल्प करेंगे कैंसर जैसी बीमारी से लड़ने के लिए। इन टिप्स का ध्यान ज़रूर रखिए। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ। एक चीज जरूर ट्राई करना, अगली बार छींक आए ना तो आंखें खुली रखने की कोशिश करना, बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। जब हमें छींक आती है तो आंखें अपने आप बंद हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि छींकते समय आपका चेस्ट एक्सपैंड करता है, यानी कि खिंचता है, आपकी लंग्स में हवा भर जाती है, फिर आपको आती है भयानक वाली छींक। आपको पता है उस छींक में लगभग 5000 ड्रॉपलेट्स होते हैं म्यूकस के, यानी कि बलगम। अब इसमें कितने जर्म्स होते हैं आप खुद ही आइडिया लगा सकते हैं। और हाँ, जो हवा छींकते टाइम आपके मुंह से बाहर निकलती है उसकी स्पीड होती है 160 किलोमीटर पर आवर KPH। अब इस दौरान आप अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, ये एक रिफ्लेक्स एक्शन होता है, यानी आपका इस पे कोई कंट्रोल नहीं है, अपने आप आपकी बॉडी करती है ये, जैसे पलके झपकाना, ठीक बिल्कुल वैसे ही। अच्छा, इसके पीछे एक वजह ये बताई जाती है कि जर्म्स आपकी आंखों में ना आए, इसलिए आंखें अपने आप बंद हो जाती हैं। दूसरी बात, आपकी आंखें उन मांसपेशियों में से एक हैं जो छींकते समय टाइट हो जाती हैं अपने आप इसे कंट्रोल नहीं कर पाते। इंटरेस्टिंग। अब बारी है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक, एक मस्त सी हेल्थ टिप। वैसे तो खाने में हम प्याज डालते ही हैं, नहीं तो स्वाद नहीं आएगा, पर स्वाद के अलावा भी प्याज बड़ी कमाल की चीज है। जैसे इसमें भरमार होती है न्यूट्रिएंट्स की, कैलोरीज कम होती हैं पर विटामिन और मिनरल बहुत होते हैं। नतीजा ये आपकी हार्ट की हेल्थ के लिए गजब है, प्लस ब्लड शुगर कंट्रोल करने में भी काफी मदद करती है प्याज। अब आपकी हड्डियां मजबूत रहती हैं, आपकी पाचन शक्ति बढ़ती है, और हाँ, इसमें विटामिन सी है जो खासतौर में कच्ची प्याज में होता है, वो आपकी इम्यूनिटी बढ़ाता है। आप प्याज का जूस शहद में मिलाकर भी ले सकते हैं, खांसी, जुकाम, कोल्ड, ये सब ठीक करने के लिए। एक टिप और, प्याज की ये सारी खूबियां होती हैं उसकी बाहरी परत में, इसलिए प्याज छीलते समय ध्यान रखिए कि कम से कम परत जो है वो हटे। आज सेहत में इतना ही। अच्छा, अगर आप एक डॉक्टर हैं और हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। अपना कॉन्टैक्ट नंबर जरूर लिख दीजिएगा मेल में। कैमरे के पीछे हमारे साथ अमितेश। ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू।